Good morning children, my name is Sarika, welcome to James International School. Today I'll explain in Active Grammar textbook. Open your Active Grammar textbook, standard first. Lesson number 16, joining word conjunctions. I have completed this page number 74-75. I have given you in homework. Today I'll explain and continue again page number 76, exercise C, read the passage. Now you will read this passage. पहले हम क्या करेंगे, paragraph पढ़ेंगे. ठीक है, अमर एंड अजीत गो टू द सेम स्कूल. अमर एंड अजीत, इसमें क्या है कंजंक्शन एंड. अजीत गो टू द सेम स्कूल. अमर गोज टू स्कूल बाय कार, बट अमर किससे जाता है स्कूल, कार से जाता है. लेकिन अजीत टेक्स द स्कूल बस. अजीत कार किससे जाता है, स्कूल बस से. अमर इज इन क्लास फर्स्ट. अमर कौन से क्लास में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में. बट अजीत इज इन क्लास सेकेंड. और अजीत कौन से क्लास में, सेकेंड क्लास में. अमर लाइक्स टू सिंग बट अजीत लाइक्स टू प्ले गेम्स. अमर को गाना गाने बहुत अच्छा लगता है और अजीत को गेम खेलने अच्छा लगता है. अमर एंड अजीत आर गुड फ्रेंड्स. अमर और अजीत कौन है, गुड फ्रेंड्स. ठीक है, पुट राइट और रॉन्ग फॉर द इन द बॉक्स. राइट कौन सा इसमें टिक करो, रॉन्ग कौन सा इसमें रॉन्ग करो. नंबर वन, अमर एंड अजीत गो टू स्कूल बाय कार. अमर और अजीत किससे जाते हैं, कार से जाते हैं, स्कूल या बस से जाते हैं, दोनों अलग अलग जाते हैं ना. अमर जाता है कार से और अजीत जाता है बस से. तो इसमें क्या लिखेला है, दोनों मिलके कार स्कूल कार में जाते हैं, तो रॉन्ग. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, रॉन्ग ही होगा. ओके, नेक्स्ट. अजीत इज इन क्लास सेकेंड. अभी अजीत सेकेंड स्टैंडर्ड में, तो राइट, अजीत इज इन क्लास सेकेंड, तो ये सही है. अमर एंड अजीत गो टू द सेम स्कूल. और अमर और अजीत दोनों सेम स्कूल में जाते हैं, राइट. नंबर फोर, अमर लाइक्स टू सिंग. अमर को गाना गाना अच्छा लगता है. अमर एंड अजीत आर गुड फ्रेंड्स. तो अमर लाइक टू सिंग, राइट, तो सही है. नंबर फाइव, अमर एंड अजीत आर नॉट गुड फ्रेंड्स. अमर और अजीत गुड फ्रेंड्स नहीं है. सही है कि गलत है, गलत. इसमें क्या है, अमर एंड अजीत आर गुड फ्रेंड्स, मतलब अमर और अजीत दोनों पक्के दोस्त हैं. इसमें नहीं है लिखा हुआ. एक्सरसाइज डी, लुक एट द टू गर्ल्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. अब दो गर्ल्स को देखो, एक का नाम मिथिला है और एक का निखिता है. ठीक है, मिथिला का क्या है देखो. नंबर वन, सिक्स ईयर्स ओल्ड. मिथिला इज सिक्स ईयर्स ओल्ड. नंबर टू, निकिता इज सिक्स ईयर्स ओल्ड. दोनों सेम ईयर्स की. ठीक है, नंबर टू, मिथिला वेयर ग्लासेस बोले तो मिथिला चश्मा पहनती है और निकिता डज नॉट वेयर ग्लासेस. डज नॉट मतलब चश्मा नहीं पहनती निकिता. अभी मिथिला हैज लॉन्ग हेयर. मिथिला के हेयर लंबे हैं और निकिता के शॉर्ट हेयर मतलब छोटे हैं. नंबर फोर, वेयर अ फ्रॉक. मिथिला वेयर ए फ्रॉक. मिथिला क्या पहनी है, फ्रॉक पहनी है ना. और निकिता वेयर फ्रॉक. दोनों एक जैसा ही फ्रॉक पहनी. नंबर फाइव, मिथिला लाइक कार्टून शो. मिथिला को क्या अच्छा लगता है, कार्टून शो अच्छा लगता है, कार्टून देखना. और निकिता को लाइक्स कार्टून शो. निकिता को भी कार्टून शो बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए. ठीक है, नंबर सिक्स, फैट. मिथिला इज फैट. मिथिला कैसी है, फैट है. और निकिता कैसी है, नॉट फैट. निकिता जाड़ी नहीं है, निकिता पतली है. और मिथिला कैसी है, जाड़ी है. ठीक है, तो इसका हम अभी फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे. यहाँ पे दिया है देखो, नंबर वन, मिथिला एंड निकिता आर सिक्स ईयर्स ओल्ड. यहाँ पे दो बार लिखा है तो यहाँ पे एक ही बार लिखना है हमको. मिथिला एंड निकिता आर सिक्स ईयर्स ओल्ड, छः साल के हैं. नंबर टू, मिथिला वेयर्स ग्लासेस. मिथिला क्या पहनती है, चश्मा पहनती है. बट निकिता डज नॉट वेयर ग्लासेस. बट बोले तो लेकिन निकिता चश्मा नहीं पहनती. मिथिला पहनती है लेकिन निकिता नहीं पहनती. नंबर थ्री, मिथिला हैज़ लॉन्ग हेयर. मिथिला के बाल बहुत लंबे हैं लेकिन निकिता के बाल छोटे हैं, शॉर्ट हैज़ शॉर्ट हेयर. नंबर फोर, मिथिला एंड निकिता वर फ्रेंड्स. फ्रॉक, सॉरी, वेयर फ्रॉक. मिथिला
मिथिला और निकिता दोनों क्या पहने हैं, फ्रॉक ही पहने हैं, तो राइट है ये। नंबर 5, मिथिला एंड निकिता है लाइक कार्टून शो, अब ये दोनों को कार्टून भी बहुत पसंद है, तो एंड निकिता लाइक कार्टून शो। और नंबर 6, मिथिला इज फैट, मिथिला कैसी है, थोड़ी जारी है, और निकिता कैसी है, पतली है, तो क्या है कि यहाँ पे मिथिला इज फैट बट निकिता इज नॉट, मतलब मिथिला जारी है लेकिन निकिता नहीं है ऐसा। अब ये देखो ई, लेट्स टॉक ऑन द फोन, फ़ोन पे कैसे बात करते देखो अभी, हेलो कैन आई स्पीक टू मिस्टर राव, अभी वो अंकल बात कर रहे कि हमें मिस्टर राव से बात कर सकता हो, तो हेलो मे आई नो हुज कॉलिंग, तो लड़का उठाता फ़ोन बोलता हेलो आप कौन बोल रहे हो करके वो लड़का बोलता, तो फिर से वो अंकल बोलते आई एम मिस्टर शर्मा, मैं शर्मा बोल रहा हूँ, अंकल डैड नॉट एट होम, मतलब मेरे पापा घर पे अभी नहीं है, ही विल बी बैक इन एन आवर्स, वो थोड़े कलाक के अंदर घर आ जाएंगे, कलाक में घर आ जाएंगे ऐसा बोलता है, बोलता ठीक है। आस्क डैडी टू कॉल मी व्हाइल ही कम होम, अच्छा ठीक है, फिर जब आपकी डैडी आ जाएगी घर पे तो आप उनको फ़ोन करने के लिए बोलना मुझे, ऐसा करके कौन बोलता है, मिस्टर शर्मा, ओके अंकल आई विल टेल हिम, ठीक है मैं बता दूंगा कि आपका फ़ोन आया था, आप उन्हें फ़ोन कर दो ऐसे, ठीक है ये दोनों एक दूसरे से ऐसा ट्रांसलेशन बातें करते हैं, ओके फ़ोन पे कैसे बातें करना चाहिए, हेलो कैन आई स्पीक टू मिस्टर राव, हेलो मे आई नो हुज कॉलिंग, आई एम शर्मा, मैं शर्मा हूँ, अंकल डैड्स नॉट एट होम, डैड घर पे नहीं है, ही विल बी बैक इन एन आवर, अब वो एक घंटे में घर पे आ जाएंगे, ठीक है। आस्क डैडी टू कॉल मी व्हेन ही कम होम, डैडी को बोलना जब वो घर पर आएंगे तो मुझे फ़ोन कर दे, ओके अंकल आई विल टेल हिम, मैं मेरे पापा को बोल दूँगा। नेक्स्ट पेज रिविजन टेस्ट 2 3 बेस्ड ऑन लेसन 3 to 16, कितने मार्क्स का ये, 50 मार्क्स का। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद हैव हैज, 1 फरवरी हैज 28 डेज, फरवरी में कितने डेज होते हैं, 28 डेज। नंबर 2 बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड के पास क्या होता है, पंख होते हैं, विंग्स, बर्ड हैव विंग्स। आई हैव 2 आईज, मेरे पास 2 आँखें हैं, आई हैव 2 आईज, आई रहेगा तो हैव आ जाएगा, आई हैव 2 आईज। नंबर 4 आवर हाउस हैज ए गार्डन, हमारे घर के पास क्या है, गार्डन है। 5 वी हैव ए कंप्यूटर, मेरे पास क्या है, कंप्यूटर है। नंबर 6 वी वीक है 7 डेज, कितने दिन होते हैं वीक में, 7 दिन होते हैं। 7 एलिफेंट्स हैव ट्रंक, एलिफेंट के पास क्या होता है, ट्रंक, मतलब सूंड। नंबर 8 वी हैव मैनी टॉयस, मेरे पास वी बोले तो दो जन होते हो ना, तो उसको वी हो जाएगा, वी हैव मैनी टॉयस। दिस बुक हैज 100 पेजेस, कितने पेजेस है बुक में, 100 पेजेस है, तो दिस बुक हैज 100 पेजेस। नंबर 10 ए हाउस हैज ए रूफ, हाउस पे क्या है, छत, छत को क्या बोलते हैं, रूफ, हाउस हैज ए रूफ, मतलब एक घर को छत है, ठीक है। योगी अमा फिलिंग द ब्लैंक्स, अभी ये मैच द वर्ड विद द पिक्चर्स, अब पिक्चर्स से मैच करना वर्ड्स को। नंबर 1 हॉट, हॉट मतलब गर्म। नंबर 2 ग्रीन, ग्रीन मतलब लीव्स, ग्रीन क्या होते हैं, पत्ते कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। बिग मतलब बड़ा, तो एलिफेंट इज बिग। कोल्ड मतलब ठंडा, आइसक्रीम कैसा होता है, ठंडा होता है। स्वीट मतलब मीठा, स्वीट मतलब चॉकलेटी, टेस्ट कैसा होता है, मीठा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, अभी घर पे लिखना है, ओके। तो ये वाला देखो 3rd, चूज द राइट वर्ड्स टू कंप्लीट द लाइंस। फर्स्ट में क्या है, क्रॉस द रोड केयरफुली, रोड कैसे क्रॉस करने का है, केयरफुली। नंबर 2 शी स्पोक लाउडली, वो कैसी बात करती है, जोरों से। द बर्ड सैंग स्वीटली, बर्ड कैसी बातें करती है, मीठी आवाज़ में। द चिल्ड्रन प्ले हैप्पीली, चिल्ड्रन कैसे खेलते हैं, खुशी खुशी।
नंबर फाइव, यू मस्ट राइट नीटली. हम कैसे लिख देंगे? एकदम अच्छे अक्षर में. तो कंप्लीट पेज. सेवेंटी सिक्स टू सेवेंटी नाइन इन होमवर्क. ठीक है. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू. गुड बाय.